घड़ी साहब, मैं नीतू सिंह चौहान स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेनू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी चटाकेदार छोला टिक्की चाट। तो चलिए देख लेते हैं छोला टिक्की चाट की रेसिपी। और आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए हम एक चम्मच खड़ा धनिया डालेंगे कढ़ाई में, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, एक तेज पत्ता, एक सूखी हुई साबुत लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, चार साबुत लौंग, छह साबुत काली मिर्च। अभी हमने फ्लेम को ऑन किया है। अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं और मसालों में से खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। कढ़ाई गरम है, इसके अंदर हम दो चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब हम मसालों को ठंडा कर लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। और मैंने एक कटोरी छोले लिए थे जिन्हें गरम पानी में 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिए थे। अभी हम छोलों को कुकर में डालेंगे, पानी डालेंगे। मैंने छोले में इतना पानी डाला है कि जिसमें छोले इजीली डूब जाए। अभी हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और कुकर को ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी आने तक हम चने को बॉईल करेंगे। अभी हम कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। कुछ लोग छोलों में लहसुन और अदरक नहीं डालते। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम इसमें 2 प्याज की प्यूरी डालेंगे। मैंने 2 प्याज लिए थे जिन्हें मिक्सी जार में डाल के उन्हें अच्छे से पीस लिया है। और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। अभी प्याज की प्यूरी अच्छे से भून चुकी है और इसमें से ऑयल भी अलग हो गया है। अभी हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसी के साथ हम मसाले भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम मीडियम फ्लेम पे मसालों को अच्छे से पका लेंगे।
और इसी के साथ हम वो मसाला भी ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बना के रखा है। आधा मसाला हम अभी डालेंगे, आधा पूरा छोले बन जाएंगे उसके बाद। मसाला पक चुका है, अभी हम इसमें उबले हुए छोले डालेंगे। छोलों को मैंने थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है। छोले को अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए हम इन्हें और पकाएंगे मसाले के साथ। अभी छोले बन चुके हैं, अभी हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। फ्रेश कटा हरा धनिया डालेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। और जो मसाला हमने बचा के रखा था वो भी डाल देंगे। अभी मैंने टिक्की बनाने के लिए 4 आलू को बॉईल करके ठंडा करके अच्छे से मैश कर लिया है। अभी हम इसमें 2 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं या उसकी जगह थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। फ्रेश कटा हरा धनिया डालेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 पिंच के करीब हम इसमें काला नमक भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी टिक्की बना लेंगे। टिक्की को हम ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा फ्लैट ही रखेंगे इस तरीके से। तेल गरम हो गया है, अभी हम टिक्की को फ्राई कर लेंगे। एक बार तेल गरम हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हम टिक्की को एक बार नीचे के साइड से अच्छे से पकने देंगे, तभी हम इसे पलटेंगे। अगर आप पहले पलट देंगे तो टिक्की टूट जाएगी। पलट देंगे इसे धीरे से।
इसी तरीके से हम टिक्की को सुनहरा रंग आने तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, लेकिन फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। आप देखेंगे कि ये वाली टिक्की अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी टिक्की को भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अभी मैंने एक प्लेट में छोले डाल दिए हैं, अभी हम इसके ऊपर टिक्की रखेंगे। बारीक कटे प्याज डालेंगे, बारीक कटे टमाटर डालेंगे, धनिया की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, फ्रेश कटा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी नमकीन सेवें डालेंगे। अगर आपके पास आलू भुजिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लीजिए, अभी हमारे छोला टिक्की चाट तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक जरूर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करें। और आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है माँ का मेन्यू।